हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। अभी इसकी वक्त टाइमलेस है, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर अगर बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है। और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। जिनके साथ अभी आपकी ना बातचीत अच्छी नहीं हो रही है, मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग हो, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। सो आपके पार्टनर के डीप इमोशंस या फीलिंग्स आपके लिए अभी फ़िलहाल क्या है? सबसे पहले तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना ज़िद्दी हैं, या आपको ना अपनी इमेज की बहुत पड़ी रहती है, या कभी कभी आप अपनी ज़िद में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि आप सामने वाले के इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हो, या आप झुकना नहीं पसंद करते। आपको वो चीज़ चलेगी कि रिश्ता ख़त्म हो जाए लेकिन आप झुकोगे नहीं। समटाइम ऐसा आप बिहेव करते हो, समटाइम आप ऐसा बिहेव करते हो, बहुत ज़्यादा चिल आउट करना, अच्छे से घुल मिल के रहना, मतलब उन्हें ना समझ नहीं आता है कभी कभी कि आप हो क्या चीज़। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ या तो क्रश वाली चीज़ें हैं कि ये आपके क्रश हैं, या फिर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, उनके लिए ये चीज़ मैं कहूँगी, क्योंकि वो आपको ना समझ नहीं पा रहे हैं। अभी उनके लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा है आपको समझना, क्योंकि आप में ना लेयर हैं। कभी आप बहुत इमोशनल हो, कभी आप अपने इमोशंस को छुपा लेते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाते हो, कभी बिल्कुल ही अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने लगते हो, बिल्कुल ही ऐसे बाउंड्रीज सी सेट कर देते हो, कभी आपको थोड़ी बहुत अच्छी चिल आउट वाली बातें करना पसंद है, चैट करना पसंद है, कभी आप इतना ज़िद्दी हो जाते हो कि बिल्कुल ही नहीं झुकते। तो उन्हें ना समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, वो इस रिलेशनशिप को ना मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, या पास्ट में उन्होंने सोचा था कि हाँ हम दोनों की शादी हो जाएगी और पूरा उन्होंने प्लान कर लिया था सब कुछ, बट अब भी ना उनको वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आया है और वो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि अब भी उन्हें चीज़ें या तो ख़त्म होती दिख रही हैं, या अब भी उनका ये माइंडसेट हो गया कि जो भी आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसको उन्हें ख़त्म करना है, आपके पास वापस आना है, आपसे मिलना है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, तो एक नई फ्रेश स्टार्ट उन्हें करनी है आपके साथ। ठीक है, बट अब भी ना क्या हो रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी है लेकिन आप उनसे बात करने के मूड में नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनकी बात मैं कर रही हूँ, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई करें तो क्या करें, क्योंकि उनके साथ ना आप वो मिक्स वाली वाइब्स भी देते रहते हो, कभी बहुत ज़्यादा ही आप उनके साथ इन्वॉल्व हो ना, कभी बिल्कुल ही अपने आप को कट ऑफ कर लेते हो। तो अब भी ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं और वो आपको समझ सकें, आपके इमोशंस को समझ सकें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, बट वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आपके नेचर को लेके स्पेशली। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स ना बहुत ज़्यादा होते हैं,
और आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकती हैं, तो आपको वो इमोशनली हर्ट नहीं होना है, इमोशनली इनके साथ अटैचमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा इन पर डिपेंड नहीं होना है इमोशनली, इसलिए अपने आप को गार्ड कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये रीज़न हो सकता है। तो उन्हें ना समझ नहीं आ रहा है, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए, चीज़ें स्मूथ हो जाए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन के साथ, तो वो आपको वापस घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी या तो वाइफ या हस्बैंड आपसे दूर है। अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड आपको लेने आ सकते हैं, और विद इन आ 6 days या 6 months के अंदर, 6 weeks के अंदर। और अगर आप हस्बैंड हैं तो आप लेने जाएं, आपकी वाइफ रेडी हो जाए आपके साथ आने के लिए, वो चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक करने के लिए। ओके, वो चीज़ें मुझे लग रही है, पर इसमें टाइम लग सकता है किसी किसी के लिए। और वो चाह रहे हैं कि वापस से ना पहले जैसी खुशियां रहे आप दोनों के बीच, जैसे पहले आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो चीज़ें वो वापस से मिस कर रहे हैं। उन्हें ये है कि वापस से चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं उनके डीप इमोशंस ये भी हैं कि वो चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाएं, जैसे पहले आप बहुत इमोशनली थी लेकिन आप बहुत ना चिल आउट करते थे, या आपको ये था कि भाई छोड़ो, छोटी छोटी बातें हो चाहे बड़ी बड़ी बातें हो आप सबको ना जाने देते थे, बट अब भी बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गए हो आप, वो चीज़ें उन्हें ज़्यादा लग रही है। मतलब पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हुई थी तब आप इतना सीरियस नहीं लिए थे, बट अभी इतना सीरियस ले लिया है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और उसमें आप कोई रिएक्शन एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ उन्हें लग रही है कि अब ऐसा क्या हो गया है कि ये वापस नहीं आ रही है, यानी कि आप वापस से नहीं आ रहे हो या वापस से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके, गुस्सा भी आ रहा है उन्हें आपके इस बिहेवियर पे, ओके। और उन्हें ऐसा हो रहा है कि भाई अब ऐसा क्या हुआ है कि ये इंसान इतना बदल गया, यानी कि आप इतना बदल कैसे गए हो, और आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं बट वो आपकी तरफ आए तो आए कैसे, क्योंकि आप खुद को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को उतना ज़्यादा इनके लिए अवेलेबल कर नहीं रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा वो डर भी रहे हैं कि कैसे आए। मे बी शायद आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, वो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद बात पहले जैसी नहीं रही। मे बी शायद ये आपके क्रश हो जिनके लिए आप देखना चाह रहे हो, ये अगर आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसे आप इनके साथ हो नहीं, पहले की तरह आप इनके साथ बात कर नहीं रहे हो, जैसे अगर आप दोनों के बीच बातचीत हो भी रही है तो उतनी खास ना हो रही हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, वो देख लेते हैं। आप अब भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम में, एसेस के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इस वजह से आप नाराज़ होकर चले गए, या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, अपॉर्चुनिटी थी, इस वजह से भी इन्होंने शायद आपको बहुत हल्के में लिया, बट अभी ये ना आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि असल वैल्यू इन्हें रियलाइज़ हो गई है। ओके, आप ही इनकी किंग या क्वीन बन सकते हैं, और कहीं ना ये बहुत जल्दी 6 weeks 6 days 6 months जून का महीना ये ज़्यादा मुझे लग रहा है, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत पैशनेट हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, फिजिकली अट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको हम, बहुत ज़्यादा ही है आपकी तरफ इन्हें, और जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं से पता चल रही है, या सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ओके, बट ये पास्ट में ना आपके साथ बहुत कुछ इमेजिन कर चुके थे या बहुत कुछ प्लान कर लिया था, बट अभी वो सारी चीज़ें इन्हें होती दिख नहीं रही हैं, तो इस वजह से भी ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो वही चीज़ है कि या तो उस टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि ये कुछ कर रहे थे और इन्होंने आपको इग्नोर किया और वो चीज़ें आपको समझ नहीं आई, वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया, या आपने फिर इनसे बात करना ही छोड़ दिया,
वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी भी ये बिजी हैं, अभी भी इनके पास काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि एम्परर है, तो इस वजह से भी मैं कह सकती हूँ कि इनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत है, घर के बड़े बेटे या बेटी हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को समझें, ठीक है, उस चीज़ को वैल्यू करें और समझें कि क्यों नहीं ये टाइम दे पाए आपको, और जब ये आपसे बात करेंगे या मिलेंगे तो शायद ये वही चीज़ को ना क्लियर करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना आप दोनों के बीच, उस चीज़ को क्लियर करेंगे। यू डोंट डू दिस टू मी बट आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट यू कुड टू डू। तो जो भी आप करते हो उनका इन पे ना बहुत ज़्यादा असर होता है, ओके, या जो भी चीज़ें आप करते हो ना वो चीज़ें, हर एक चीज़ इन पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। आई एम मैडली एंड डीपली इन लव विद यू, ये बहुत ज़्यादा ही आपसे प्यार करते हैं, ओके। आई रन बिकॉज आई कुड नॉट फेस माई शेडो, ओके। तो कहीं ना ये अपनी जो शेडो है उस चीज़ को, मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हो उनके बारे में कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो वो चीज़ें ये फेस नहीं करना चाहते थे क्योंकि इन्हें वो चीज़ें पता थी, तो इस वजह से भी ये शायद चले गए उस टाइम, इन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी, वो चीज़ें हो सकती है। डोंट गिव अप, तो आप गिव अप ना करें। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है ना आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, देख रहा है क्या अपडेट डाली है, क्या चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ओके। आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफेयर। तो इनको आपके साथ वही रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है आपके साथ, ठीक है, चीज़ें ऑथेंटिक चाहिए। You are the most beautiful goddess I have ever met. तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी देवी हैं जिनसे आज तक ये नहीं मिले हैं, या इन्हें ऐसा लगता है कि सच में कोई एंजल्स हो, ठीक है। सो या गाइज, मुझे यही दिख रहा है उनके मैसेज आपके लिए। अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ, 4/13/31 हो सकती है, 1/10/1928 हो सकती है, 3/12/21, 6/15/24, 7/16/25, और यहाँ पे मुझे दिख रही है, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, दिसंबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर वो रेजोनेट नहीं करती है, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। और जोडियक साइन की बात की जाए तो यहाँ फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है और अर्थ साइन भी है। सो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइज, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।